पूछा था कि आशिकी 2 में मैंने बोला कि प्लीज़ मुझे गाने का एक मौका देना प्लीज़ प्लीज़। तो उसने बोला कि उन्होंने बोला कि चलो गा के सुनाओ, और जब मैंने गाया तो इन्होंने बोला अच्छा ओके दैट्स ऑल ही सेड। सो अगर उन्होंने इस फिल्म में मुझे मौका नहीं दिया होता तो आई वुड हैव फेल्ट बैड आई थिंक। सो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट ही डिड। एंड गलिया अनप्लग्ड, आई मीन व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग टू गेट, एंड बहुत ही कम लोगों को इतना खूबसूरत गाना मिलता है, एंड इट्स डूइंग सो वेल दैट वी आई मीन आई कुडंट इमेजिन दिस काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग ऑन गलिया अनप्लग्ड एंड द रेस्ट ऑफ द एल्बम ऑफकोर्स। आई थिंक द एडवांटेज जो दैट श्रद्धा हैज़ इज ये पिक्चर जीत चुकी है, शी इज़ बीन लिविंग थ्रू द होल फिल्म। तो जब इस पिक्चर का सुर पकड़ना था, जो इस गाने का थीम करना था, ये गाना बनाना था, तो आई थिंक इससे बेटर शायद मुझे सुर समझाने में देर वॉज नथिंग बेटर देन दिस। हाँ, अगर वो अच्छी सिंगर ना होती तो आई वुडंट हैव यूज्ड हर, दैट्स ऑब्वियस। मैं घर पे फटाफट से न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो मेरे डैड आए और वो चाय पी रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सिट डाउन। सो आई सैट एंड ही सेड कि एक बार गा के सुनाओ। सो आई सेड व्हाई, ही सेड गा के सुनाओ, आई वांट टू नो कि तुम्हारी आवाज़ सच में है या नहीं। तो देन आई सैंग फॉर हिम, तो एक अंतरा गाया, फिर उन्होंने बोला नहीं और गाओ और गाओ। तो फिर उसके बाद ही वॉज क्वाइट इमोशनल अगेन, और उन्होंने बिलीव किया कि वो मेरी आवाज़ है। सो दैट वॉज रियली स्वीट। ये डाइविंग भी करती है वो, मेरी ये डाइविंग भी करती है इस पिक्चर में, तो मैंने वो भी एक्सप्लोर किया। इस वक्त मैंने इसको इस फिल्म में इसको 5 माले की बिल्डिंग से भी कुदाया। इस फिल्म में मैंने इसे एक्शन भी कराया। तो आई थिंक बेसिकली आई फील लाइक मैं जो भी इनसे बोलती हूँ कि प्लीज मुझे ये करना है, ही जस्ट मेक्स इट हैपन। सो दैट्स आई मीन आई गेस अमेजिंग। व्हाट विश ऑफ माइंड डू आई वांट मोहित टू मेक कम ट्रू नेक्स्ट? अभी विश लिस्ट बनानी पड़ेगी लंबी वाली, बिकॉज वट एवर आई हैव रिक्वेस्टेड हिम एंड सेड दैट मोहित आई रियली वांट टू डू दिस और you know let's try this, he's just made it happen, so let's see. aaj kal jo strategy ban chuki hai, like gaane sabse pehle hit ho jate hain, uske baad film dekhne janta jati hi jati hai, isse aap kitna ittefaq rakhte hain? aaj kal kya wo to jab se hindi film industry bani tab se chal raha hai. I think main yahan par hota hi nahi agar mere gaane hit nahi hote. when jab shuru mein when I started main khud young था, आई मीन कुछ 22 साल का था, और न्यू कमर्स थे मेरे पिक्चर में। अगर वो मेरे गाने हिट नहीं होते तो लोग कभी मुझे एक चांस ही नहीं देते करियर में, चाहे वो लम्बे वो बातें हो, चाहे जिया धड़क धड़क हो, चाहे आदत हो। और मेरा ही क्या, आशिकी 1 से आई थिंक वो न्यू कमर्स जब आए थे वो तब से जब गाने हिट होते तो लोग जाके पिक्चर देखते थे। सो इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट आई एम ट्राइंग, इट्स ऑलवेज बिन देन एंड ऑलवेज गो ऑन। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री विदाउट म्यूजिक विल नॉट एग्जिस्ट। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां।